हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि डोमेन नेम को कैसे खरीदना है और होस्टिंग को कैसे खरीदना है। अगर वो सब वीडियो नहीं देखे तो यहाँ पर आई कार्ड पे वीडियो आ रहा होगा, जाकर देख सकते हैं। इस चैनल पे स्टार्ट किए हैं वर्डप्रेस का ट्यूटोरियल, जिसमें मैं आपको वर्डप्रेस पे वेबसाइट बनाना सिखाता हूँ अपनी वेबसाइट की तरह। अगर आपको पता नहीं है कि कैसा वेबसाइट बनाना सिखा रहा हूँ आपको और मेरा वेबसाइट कौन सा है कैसा है, तो मेरा वेबसाइट का नाम है superfastnews.com। ऐसा ही वेबसाइट मैं आपको बनाना सिखा रहा हूँ। मैं आपको सब कुछ सिखाऊंगा कि वेबसाइट कैसे बनाना है और एडसेंस का अप्रूवल कैसे लेकर अर्निंग स्टार्ट करना है। तो इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि डोमेन नेम जो हम लोग खरीदे हैं और होस्टिंग हम लोग जो खरीदे हैं, उसको कैसे आपस में कनेक्ट करें और उसके बाद वर्डप्रेस को इंस्टॉल करें। तो इस वीडियो में मैं आपको दोनों का कनेक्ट करना बताऊंगा और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि वर्डप्रेस को कैसे इंस्टॉल करना है। अगर पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजिएगा, डोमेन और होस्टिंग मैंने बताया है कि कैसे खरीदना है। और दोस्तों एक बात और, कि वीडियो पे आप लोग लाइक करना भूल जाते हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। इस वीडियो पे एम करते हैं 10 लाइक्स का। अगर आप 10 लाइक्स कंप्लीट कर देते हैं तो नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा कि आपको वर्डप्रेस को कैसे इंस्टॉल करना है, थीम को कैसे लगाना है और उसके बाद आपका वेबसाइट का कंप्लीट जो प्रोसेस है वो धीरे धीरे होने लगेगा। तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। और दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं, मुझे पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आप पहले से ही सब्सक्राइब करके रखे हुए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों होस्टिंग को डोमेन से कनेक्ट करने के लिए आपको करना क्या होगा कि आपने जहां से भी डोमेन और होस्टिंग खरीदा है उसका अकाउंट आप ओपन कर लीजिए। अगर अभी तक आपने होस्टिंग को नहीं खरीदा है तो पिछले वीडियो को देखकर आप होस्टिंग खरीद सकते हैं और होस्टिंग का मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप उसे खरीद लें। यहाँ पर मैंने होस्टिंग जो खरीदा है वो रीसेलर क्लब से खरीदा है। तो मुझे करना क्या है कि रीसेलर क्लब के वेबसाइट पर जाकर आपको लॉगिन कर लेना है, अगर आपने यहाँ से होस्टिंग को खरीदा है तो। लॉगिन करने के बाद आपको करना क्या होगा कि यहाँ पर आपको मैनेज ऑर्डर पर क्लिक करना होगा। चलिए मैं आपको बताता हूँ कि मैनेज ऑर्डर आपको कहाँ पे मिलेगा। जैसे ही आप इसमें लॉगिन हो जाएंगे तो यहाँ पर आपके सामने होस्टिंग का यहाँ पर ओपन हो जाएगा। उसके बाद मैनेज ऑर्डर पर क्लिक करने के बाद लिस्ट सर्च ऑर्डर पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने आपका डोमेन यहाँ पर दिख जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं ये आपका डोमेन यहाँ पर मिल जा रहा है। आपको इसमें करना क्या है कि आपका यहाँ पर डोमेन दिखेगा, इस डोमेन पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक कीजिएगा तो आपका यह सी पैनल ओपन हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ से हम लोग डोमेन को मैनेज कर सकते हैं। अब आपको करना क्या है कि आपको नीचे स्क्रॉल करना है और यहाँ पर आपको एक मिलेगा नेम सर्वर डिटेल्स। आपको करना क्या है, इसके बाद आपने जहाँ से भी डोमेन खरीदा है उस डोमेन पर जाकर, उस वेबसाइट पर जाकर आपको लॉगिन कर लेना है। डोमेन नहीं खरीदा है तो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप बिगडॉक से जाकर डोमेन को खरीद सकते हैं। यहाँ पर आने के बाद आपको डोमेन में अकाउंट में लॉगिन कर जाना है। लॉगिन करने के बाद मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर होस्टिंग में और रीसेलर, यहाँ पर रीसेलर का होस्टिंग और बिगडॉक का यहाँ पर डोमेन का दोनों सेम ही है, तो इसमें आपको कन्फ्यूज नहीं होना है, क्योंकि बहुत डोमेन जो वेबसाइट्स होते हैं उसका इंटरफेस कुछ अलग होता है। यहाँ पर जैसे ही आप ओपन कीजिएगा तो बिगडॉक का मैनेज डोमेन वाला ऑप्शन कुछ ऐसा दिखेगा और यहाँ पर भी आपको सेम वैसा ही दिखेगा अगर यहाँ से मैं बैक जाता हूँ तो। तो आपको करना क्या है कि बिगडॉक के जहाँ से हम डोमेन खरीदे हैं तो ये मेरा डोमेन है, आपको इस डोमेन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप डोमेन पर क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर आपका सेम ही ऑप्शन आपको दिखने को मिलेगा, बस ऑप्शन में थोड़ा से डिफरेंसेस होंगे पर यहाँ पर आपको सेम ही कुछ दिखेगा। अब आपको करना क्या है कि यहाँ पर होस्टिंग में आ जाना है और होस्टिंग का जो ये नेम सर्वर डिटेल्स है आपको इस पर क्लिक कर देना है। जैसे इस पर क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर आपको दो ऑप्शन, यहाँ पर दो नेम सर्वर जो है सो मिल रहा है, जो कि हमें डालना है डोमेन के, चेंजिंग करना है यहाँ पर डोमेन में। तो आप अब आपको करना क्या है कि यहाँ पर जब डोमेन पर आइएगा उसके बाद यहाँ पर आपको मिलेगा नेम सर्वर, आपको इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही इस पर क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर आपको बहुत सारे नेम सर्वर पहले से ऐड मिलेगा। आपको करना क्या है कि जितने भी नेम सर्वर है वो सारे नेम सर्वर को यहाँ से रिमूव कर देना है। यहाँ पर मैंने जितने भी पहले से नेम सर्वर ऐड थे ये डोमेन में, वो सारे नेम सर्वर को रिमूव कर दिया है। अब क्या करना है कि यहाँ पर जो आपका नेम सर्वर मिल रहा है इसको आपको कॉपी करना है। सबसे पहले मैं पहला जो है उसको कॉपी करूँगा और उसके बाद नेम सर्वर 1 में इसे पेस्ट कर दूंगा।
उसके बाद सेकेंड वाले को कॉपी यहाँ से करूँगा और यहाँ पर सेकेंड वाले में मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। उसके बाद यहाँ पे अपडेट नेम सर्वर पर मैं क्लिक कर दूंगा। यहाँ पर नेम सर्वर अपडेट हो चुका है। अब आपको यहाँ पर देख सकते हैं लिखा हुआ कि नेम सर्वर जो है सो यहाँ पर अपडेट जो है सो हो चुका है। अब आपको 24 से 48 घंटे तक वेट करना है जब तक आपका नेम सर्वर चेंजिंग जो है सो सही से हो नहीं जाता है। जब नेम सर्वर आपका चेंज हो जाएगा तो आपको एक ईमेल आ जाएगा कि आपका नेम सर्वर चेंज हो गया है। तो आप 24 घंटे या 48 घंटे तक वेट करें। तो दोस्तों जैसे कि आपने देख लिया कि डोमेन को होस्टिंग से कैसे कनेक्ट करना है, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपको जो है वो कैसे आपको जो है सो वर्डप्रेस को इंस्टॉल करना है और उसमें थीम को एक्टिवेट करके आपका जो वेबसाइट का प्रोसेस है उसे कंप्लीट करना है और वेबसाइट को रेडी कर लेना है। और दोस्तों अगर आपको ये वेबसाइट मेरे से बनवाना होगा तो आप मुझे नीचे कॉन्टेक्ट डिटेल्स आपको मिल जाएगा, वहां से आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और मैं आपका वेबसाइट बना दूंगा। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलता है एक और नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना। गुड बाय, टेक केयर।